मुझे नहीं लगता कि टोनी जा को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। वे एक बहुत चर्चित थाई मार्शल आर्ट्स मूवी स्टार हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत ही कम मूवीज में काम किया है, बट इनकी सारी मूवीज देखने को रिकमेंड करता हूँ। वो मूवीज भी जिनमें इन्होंने काफी छोटा मगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं टोनी जा की टॉप मार्शल आर्ट मूवी लिस्ट की तरफ। इस लिस्ट की पहली मूवी है स्किन ट्रेड, जो 2014 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। ये एक अमेरिकन मूवी है जिससे काफी बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जैसे माइकल जे वाइट, डॉल्फ लंडग्रेन। मूवी में टोनी जा और डॉल्फ लंडग्रेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप को पकड़ने में लगे हुए हैं, जिसने उनकी फैमिली को काफी इफेक्ट किया है। और मूवी को देखने का एकमात्र रीजन है टोनी जा और माइकल जे वाइट के बीच फिल्माए गए फाइट सीन। इस लिस्ट की अगली मूवी है XXX रिटर्न ऑफ द जेंडर केज, जो 2017 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2। इस मूवी के डायरेक्टर है DJ क्यूरोसो। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें लीड रोल वैन डीजल ने प्ले किया है, जो सैटेलाइट कंट्रोलिंग डिवाइस पैराडॉक्स बॉक्स को रिट्रीव करने की कोशिश करता है, जो CIA ऑफिस से चोरी हो गया था। इस लिस्ट की अगली मूवी है पैराडॉक्स, जो 2017 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2। इस मूवी के डायरेक्टर है विल्सन यिप। मूवी में टोनी ने एक थाई कॉप का रोल प्ले किया है, जो पटाया सिटी में डिसअपीयर हुई लड़की को ढूंढने के लिए हांगकांग के कॉप की हेल्प करता है। इस लिस्ट की अगली मूवी है ट्रिपल थ्रेड, जो 2019 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। इस मूवी के डायरेक्टर है जेसी वी जॉनसन। ये फुल एक्शन पैक्ड मल्टी स्टार मूवी है जिसमें क्राइम सिंडिकेट बॉस बिलियनियर की डॉटर को मारने की रैंसम देता है और कुछ मर्सिनरीज उसको बचाने के लिए असैसिन से फाइट करते हैं। अगली मूवी है टॉम यू गुंग 2 और द प्रोटेक्टर 2, जो 2013 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3। इस मूवी के डायरेक्टर है पचाया पिनकॉव। ये टॉम यू गुंग मूवी का सीक्वल है, जो 2005 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी में जीजा यानी ने पिन पिन नाम का कैरेक्टर प्ले किया है, और लीड रोल में टोनी नजर आए हैं, जिन्होंने TN नाम के कैरेक्टर का रोल निभाया है। इस मूवी में काफी ढेर सारे CGI और वायर बेस्ड फाइट सीन्स हैं। इस लिस्ट की अगली मूवी है टॉम यू गुंग और द प्रोटेक्टर, जो 2005 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इस मूवी के डायरेक्टर है पचाया पिनकॉव। ऑंग बैक की सक्सेस के बाद टोनी जा ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को अगले लेवल तक की पेश किया, और इस मूवी में टोनी जा ने काम नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, जो अपने चोरी हुए हाथियों को ढूंढने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया जाता है। लतीफ और टोनी के बीच फाइट सीन एंटरटेनमेंट लेवल को एनहांस करता है, लेकिन चोट के कारण लतीफ के फाइट सीन को काफी शॉर्ट कर दिया गया था। इस लास्ट मूवी है नेवर बैक डाउन नो सरेंडर, जो 2016 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। इस मूवी के डायरेक्टर है माइकल जे वाइट। इस मूवी में लीड रोल प्ले करते हुए माइकल जे वाइट ने केस वॉकर का रोल प्ले किया है, जो अपनी ओल्ड स्कूल मार्शल आर्ट स्किल्स को यूज करके वर्ल्ड चैंपियन MMA फाइटर बनते हैं। इस मूवी में टोनी जा और जीजा यानीन ने छोटा सा कैमियो रोल प्ले किया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है SPL 2, अ टाइम फॉर कॉन्सिक्वेंस और किल जोन 2, जो 2015 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। इस मूवी के डायरेक्टर है चैंग पाओ सोए। ये मूवी SPL मूवी का सीक्वल है, जिसमें लीड रोल में डोनी येन और सुमो हॉन्ग नजर आए थे। इस मूवी में अंडरकवर कॉप किट का रोल वू जिंग ने निभाया है, जो थाई प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। इस लिस्ट की अगली मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस 7, जो 2015 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इस मूवी के डायरेक्टर है जेम्स वॉन। इस मूवी में टोनी जा ने विलन का रोल प्ले किया है। इस लिस्ट की लास्ट मूवी है ऑंग बग द थाई वॉरियर, जो 2003 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। इस मूवी के डायरेक्टर है पचाया पिनकॉव। मूवी में टोनी जा ने विलेज बॉय पिंग का रोल प्ले किया है, जो एक मोथाई वॉरियर है और अपने गांव को सूखे से बचाने के लिए बुद्धा के सर को ढूंढने शहर जाता है, जो उसके गाँव से चोरी हो गया है। मूवी में टोनी जा ने किसी भी प्रकार के वायर और CGI का यूज नहीं किया है, और इस मूवी में सभी एक्शन सीन्स काफी ऑथेंटिक और रियल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये टोनी जा की मोस्ट आइकॉनिक मूवी है। तो ये थी टोनी जा की कुछ टॉप मार्शल आर्ट मूवीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्शन मार्शल आर्टिस्ट मूवी स्टार के साथ।